नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं DRK एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, और वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन को हम इस प्रिंटर के साथ कैसे कनेक्ट करें, हम वाईफाई के साथ किस प्रकार से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेरे पास ये एप्पल का मोबाइल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऐप स्टोर पे, ऐप स्टोर एप्पल में ऐप स्टोर, और एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, तो वहाँ से आपने क्या लिखना है, ब्रदर। ठीक है, आई प्रिंट एंड स्कैन, तो सर्च मार के वहाँ से इंस्टॉल कर लेना, मैंने कर लिया है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आए हैं इस पर। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे हमने इसको या तो वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना है। डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए हमें इस मशीन से भी यहाँ पे मेनू निकालेंगे या नेटवर्क करेंगे। तो दोस्तों ये रहा वाईफाई, तो हमने यहाँ से इसको ओके करना है, यहाँ से पुश कर देना और अपने मोबाइल से भी वाईफाई डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको एक बार करके दिखाते हैं, देखते रहिए ये वाईफाई। तो देख सकते हैं दोस्तों ये वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो आपने बस यहाँ से वाईफाई से कनेक्ट कर लेना, उसके बाद इस ऐप पे जाके यहाँ से ये यहाँ बता रहा है, ठीक है, ये रेडी हो गया है। ठीक है, और अब ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे जाके ब्रदर पे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे ये DC भी लिखा है और यहाँ से ये आ गया, देखिए। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता तो हम सेट मैनुअल करेंगे और यहाँ जाके नेटवर्क पे जाएंगे। ठीक है, वाईफाई डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर डिवाइस इन्फो में जाएंगे, इधर जाके हम इस पर IP एड्रेस देखेंगे। ठीक है, ये IP एड्रेस आ गया। ठीक है, यहाँ से IP एड्रेस, और ये जो IP एड्रेस है ये हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम भर लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये भर लिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इस पर कनेक्ट, तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया है। तो इस प्रकार से हम इसे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, हर मोबाइल में ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ हम स्कैन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये बुक है, मैं इसको स्कैन करके आपको दिखाता हूँ। ये इस मोबाइल से इस प्रकार से रखिए। ठीक है, तो इसको कर दिया ये बंद। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट का साइज, तो A4 रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कलर या ब्लैक एंड वाइट, तो हम कलर ही चुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे इसको स्कैन। ये देखिए स्कैन, ये देखिए स्कैन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से पूछ रहा है कि और स्कैन करने या इस पर डन कर देना। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ से डन करेंगे, ये डन कर दिया और ये आ गया हमारा स्कैन। ठीक है, तो यहीं से हम यहाँ इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी वीडियो है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक यू।